अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, मुझे तो ये मेहंदी बहुत अच्छी लगी, उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। और ये बनी भी स्टेम से है। देखिए, डिफरेंट स्टेम से हम कोई न्यू डिज़ाइन बना सकते हैं, और ये ब्राइडल मेहंदी है। कैसी लगी आप लोगों को? चलें हम स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये स्टेम्स हैं डिफरेंट कलर की। मैंने तो ये चारों स्टेम्स को ना अपने हाथों में अप्लाई किया है, ब्राइडल मेहंदी बन गई है। ठीक है, अब मैं आपको ना ये वाली स्टेम बना के दिखाती हूँ कि कैसे हम अप्लाई करेंगे हाथ पे और कैसे यूनिक सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये मैंने चूज़ किया और ये मैं स्टेम पैड से इस लड़की पे जो है कलरिंग, जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहेंगे, इसको मतलब क्या बोलेंगे कहेंगे कि शायद इसको, ये जो लड़की जो हमने डिज़ाइन पसंद किया है इस पर कलर आ जाए। तो फिर इसको मैंने अपने हाथों पे अप्लाई किया। फिर जो जो डिज़ाइन है, जिस जिसके मुताबिक जिस तरह मैं अप्लाई मेहंदी लगा रही हूँ, इस तरह मेहंदी लगाते जाएं, पूरे जो जो एक एक जो जो भी है उस पर मेहंदी लगाते जाएं, इस तरह पूरे डिज़ाइन पे मेहंदी लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, जो भी डिज़ाइन है फुल कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत से यूनिक सा खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अगर आपने गोल टिक्की टाइप बनाना है तो टिक्की टाइप बना लें, अगर आप स्क्वायर जो भी, वो तो आप पे अपने पे डिपेंड है ना कि आप किस तरह बनाना चाहते हैं। मुझे गोल अच्छा लगा, मैंने दो के भी दिखा दिया।